इस औजार को पहचानते हो ना? यही वो खास औजार है जिससे मैं दांतों को चुन चुन के निकालता हूँ। हिम्मत से काम लो। सारी हिम्मत तो तुम्हारे औजार ने निकाल दी, और कहाँ से लाऊं? अब्बा पहुँच गए समंदर के नीचे की दुनिया में। अरे वाह, मछली पकड़ते हुए जूस पीने की बात ही कुछ और है। लगता है मछली फंस गई है। ये अरे कहाँ जाएगी? अब्बा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अरे अब्बा कहाँ गायब हो गए? आप कहाँ हैं अब्बा? अब्बा! अप्पा मछली पकड़ने में इतने डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं खाना लेकर आने वाला हूँ। लक्कड़ कहे के। अरे अप्पा का बर्तन। अरे ये मछली मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे वाह, क्या बात है। मैं आ रहा हूँ। मैं कांटा है पर अप्पा कहाँ है? अरे वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पानी के नीचे इतनी शानदार दुनिया भी होगी। यहाँ की राजकुमारी कितनी सुंदर है, और जूस की भी कोई कमी नहीं है। अरे वाह, मजा आ गया। क्या बात है। अरे ये तो बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। अरे क्या कर रहे, छोड़ो मुझे। देखो वो तो इंसान का बच्चा है ना, इतना प्यारा है। सच में कितना प्यारा है, मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ। आओ आओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो प्यारा नहीं बल्कि बहुत ही शरारती बच्चा है, और पास से देखने पर तो वो और भी डरावना लगता है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या? समंदर के अंदर ये कितना बड़ा घर है, यहाँ कौन रहता होगा? पता नहीं। अप्पा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जाओ, चले जाओ। ये सब क्या है अप्पा? आप उस घर के अंदर क्या कर रहे थे? गान, तोते चैन, असल में वो घर एक समुद्री राक्षस का है। उसके तीन सर हैं और उसने समुद्री महल पर कब्जा कर लिया है। वो इतना डरावना राक्षस है। और अब मैं उस घर में वापस जाकर उस राक्षस से लड़ूंगा और उसे वहाँ से भगा कर रहूँगा। अप्पा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम चलेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े, इसलिए उस राक्षस से मैं अकेले ही लड़ूंगा। अप्पा। अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। गया। ये ठीक नहीं हुआ। अप्पा उस राक्षस से अकेले कैसे लड़ेंगे? सही कहो। हम अप्पा को अकेले उस राक्षस से नहीं लड़ने देंगे, हम उनकी मदद करेंगे। आओ जल्दी चले। आ,
बहुत मजा आ रहा है। वो फिर से आ गया। मुझे तो वो इतना शरारती नहीं लगता। ओह ये फिर आ गया। अप्पा कहाँ है? हाँ अप्पा। मैंने तुमसे वहाँ आने के लिए मना किया था ना। लेकिन अप्पा अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो मैं इस राक्षस को हरा नहीं पाऊंगा। मेरा ध्यान तुम पर लगा रहेगा। आप उसे अकेले हरा देंगे? बिल्कुल क्यों नहीं। मैं दोनों हाथों से उसके दोनों सरों को पकड़ूंगा और फिर तीसरा सर पकड़ूंगा और क्या बात है? अप्पा को जवाब नहीं। इसलिए तुम दोनों बिना टेंशन लिए घर चले जाओ और वहाँ दोबारा मत आना। ठीक है समझ गए ना? कुछ समझे? अब हम क्या करें? अप्पा तो चले गए लेकिन हमें उनकी किसी तरह तो मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? मुझे वो दोनों परेशान नहीं करेंगे। मजा आ गया। अब कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं आ रहे? कैसा लगा? अच्छा है ना? जरा एक मिनट इधर देखिए, जरा देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे ये क्या है? लगता है मेरे लिए कोई गिफ्ट है। ये बहुत कमाल की चीज है। जरा खोलो तो इसे। अभी खोलती हूँ। कौन अम्मा? तोते चैन। देखा ये लोग हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमने इन्हें पकड़ लिया। जरा मैं भी तो देखूं तुम कौन से राक्षस से लड़ रहे थे। हमने अम्मा को बुला लिया क्योंकि हम राक्षस से लड़ने में आपकी किसी भी तरह मदद करना चाहते थे। अप्पा भागो। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब हो क्या रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगी कि राक्षस से कैसे लड़ते हैं। रुको। मैं नहीं रुकूंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? पता नहीं ये गॉन की अम्मा से मेरी खुशी देखी क्यों नहीं जाती है। ये ठंड कब खत्म होगी? रुक जा रुक जा रुक जा। वही 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 ये बाल बाल बच गया वो। बहुत ठंड है, ये गर्मियाँ अभी तक क्यों नहीं आई? मेरी तो झुनझुनी बच गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तुम्हें ऐसे समय हिम्मत से काम लेना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन अब्बा अगर उस पहाड़ की चोटी पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि गर्मियाँ आने वाली है। लेकिन अब तक तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, फिर पिघली क्यों नहीं? लगता है वहां जाकर अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। बहुत ठंड है अप्पा, हम पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहाँ क्या करने आए हैं? हम उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन किसे अप्पा? चुप जाओ। देखा तुमने? वो तो बर्फीला मामत है। आओ। और उसके साथ स्नोमैन भी है। अप्पा। लगता है वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अगर चले जाएं तो बहुत अच्छा है, उनका यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ आ गए तो क्या होगा अप्पा? यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाएगी। और वो ठंड हमेशा के लिए रहेगी। क्या? लो कर लो बात। ऐसा हो जाएगा? लेकिन इससे निपटने का एक तरीका भी है। बर्फीले मेहमत और स्नोमैन को आने से रोका जा सकता है। कितनी गर्मी है। कितनी गर्मी है। बहुत ठंड लग रही है तोते चैन। मुझे भी लग रही है। ठंड की बातें मत करो गॉन। तुम दिखावा करो कि बहुत गर्मी हो रही है।
तुम्हें सच में लगता है कि बर्फीले मैमथ और स्नोमैन यहाँ नहीं आएंगे? हाँ नहीं आएंगे। शुरू करो। वाह वाह, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रही। कितनी गर्मी है यहाँ। गर्मी आ गई। बहुत ठंड लग रही है। भी ठंड लग रही है। आओ। कौन मैं तुम्हें बचाऊंगी? तोते चैन डरना नहीं। बहुत ठंड है। झुनझुनी बज गई। हाँ तोते चैन। कौन? शुक्र है तुम ठीक हो। जब तक वो दोनों यहाँ पर है ठंड जरा सी भी कम नहीं होगी। अप्पा अब क्या करें? माऊ आपको लगता है कि इतनी सी लकड़ी जलाने से इतना बड़ा स्नोमैन पिघल जाएगा? हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। शायद इससे गर्मी जल्दी आ जाए। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे पिघल रहा है। बहुत अच्छे, ऐसे ही पिघलते रहो। लगता है काम बन रहा है अप्पा। अरे आग तो बुझ गई। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। और लकड़ियां डालो। अरे वाह, पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है। इससे भी काम नहीं बना। इसका मतलब ठंड अभी भी यहाँ से नहीं गई। इस तरह तो हमें यहाँ से जाना होगा। कुछ सोचिए। चिंता मत करो, इसका भी एक रास्ता है। हाँ, कौन सा रास्ता है? वही जो हमें यहाँ से कहीं और ले जाएगा। इस घर की हमेशा हमें बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे अप्पा? लगता है पहाड़ का दूसरा इलाका गर्म है, वहीं पर चलते हैं। ये तो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। यहाँ स्नोमैन और बर्फीला टाइगर भी है। मुझे अफसोस है, अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम रह सके। अप्पा, क्या कर रहे हैं? तोते चैन, इतने समय के लिए मेरा दोस्त बनने के लिए शुक्रिया दोस्त। ऐसा मत कहो। अप्पा, लगता है हम दोनों का साथ यही तक था। हम साथ साथ जम जाएंगे। अभी क्या हुआ था? पता नहीं।
बाजू 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 बाजू। वो अंकल क्या कर रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है तोते चैन। मुझे भी। बाजू 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 बाजू। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े थे? कितनी खतरनाक जगह है ये। ये जगह कब से खतरनाक हो गई? और अब ये बताओ कि आप खुले मैदान में इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इतनी तेज भागने की कोई तो वजह होगी। क्या आप किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या बचकर भाग रहे थे? ना तो मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ना ही मैं किसी को पकड़ रहा था। तो फिर? मैं इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या, इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश? ताकत क्या होती है? क्या तुम्हें नहीं पता, इंसान धरती पर सबसे कमजोर जानवर होता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आपके हिसाब से इंसान इतना कमजोर होता है तो वो मेहमत को कैसे पकड़ पाता है? हाँ, बताओ। वो एक अलग कहानी है। देखो, इंसान मेहमत को पकड़ने में इसलिए कामयाब होता है क्योंकि वो चालाकी से काम करता है। ताकत की बात की जाए तो मेहमत इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे तैरने के मामले में मछली इंसान से ज्यादा तेज तैरती है। पंछी उड़ सकते हैं लेकिन इंसान उड़ नहीं सकता। इंसान शेर से तेज नहीं भाग सकता। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी करे, हमें क्या? बहुत फर्क पड़ता है, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे? वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शेर से ज्यादा तेज भागना चाहता हूँ। फिर मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेहमत से ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि उसके बाद जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेहमत से ज्यादा ताकत होगी और शेर से ज्यादा रफ्तार होगी। फिर वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मछली से ज्यादा तेज तैरती होगी और फिर उसका जो बच्चा होगा उसमें मेहमत से ज्यादा ताकत होगी, शेर से ज्यादा रफ्तार होगी और वो तैरने में भी मछली से तेज होगा और इस तरह आखिर में इंसान जानवर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। समझ गए ना कि मैं शेर से ज्यादा तेज क्यों दौड़ना चाहता हूँ? कमाल है, आप तो बहुत दूर तक के सोचते हो। लो, कर लो बात। क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। समझ गए ना कि इंसान का भविष्य तेज दौड़ने पर टिका हुआ है। वैसे सच कहूँ तो मैं अभी कुछ समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम समझोगे भी नहीं क्योंकि तुम एक मामूली आदमी के बेटे हो। चलता हूँ। रुको अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त तो मैं शेर को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे क्या? मैं हर रोज शेर से झगड़ा मोल लेता हूँ ताकि मैं अपनी सेहत को फिट फाट रख सकूँ। लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। शेर बुरा मान गया तो? मैं ये पत्थर फेंक कर शेर को लड़ने के लिए उकसाता हूँ। ये देखो। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो आदमी शेर का शिकार करना चाहता था वो तुम्हारे अप्पा हैं। वो तो सच में बहुत तेज भागते हैं, मुझे ये सीखना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। अप्पा ऐसी जगह क्यों सो रहे हैं, उन्हें क्या हो गया है? इसमें बहुत खतरा है। आजा, सीधे चलते चले आजा। अब देखना मैं यहाँ क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे अप्पा को बचाने के लिए उस शेर को अपनी तरफ बुलाऊंगा और फिर मैं उससे दो दो हाथ करूंगा। ओए शेर दे पुत्तर, इधर आ, इधर आ। ये ले। लगता है वो अपने लिए मुसीबत को खुद बुला रहे हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। अप्पा शेर से तेज भागकर बच जाए। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा काम हो जाएगा। अब मेरा काम बन जाएगा क्योंकि
मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। पता नहीं वो क्या बोलते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी पागल हुआ है। मैं शेर को पकड़ने ही वाला था। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आ गया और मेरे किए धरे पर पानी फेर गया। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम फिर आ गए। मेरे साथ दौड़ने में मुकाबला करो। लेकिन जब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं तो तुमसे मुकाबला क्यों करूँ? मानव जाति के भविष्य के खातिर। मानव जाति के भविष्य के खातिर ये है लाइन। चलो शुरू करो, भागो। मैं जीत गया। शेर से ज्यादा तेज दौड़ने वाले को मैंने हरा दिया। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मैं हूँ नंबर वन। मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। अब्बा, आप ठीक तो है ना? वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था? पता नहीं, लेकिन अब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया है। लगता तो है अब्बा। हमें भी खाना खिला दो। ला 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 ला। ये तो भी नहीं पकी, इसे थोड़ा और वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा और पकाती हूँ। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं इन तीनों को टेस्टी खाना खिला के ही रहूँगी। हम बहुत थक गए। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। चूहे पेट में डांडिया कर रहे हैं। गान की अम्मा, खाना तैयार हो गया? बस होने ही वाला है, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब कितना? ज्यादा नहीं, बस एक घंटा और। हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम कुछ खास डिश मत बनाओ, बस जो है वही दे दो, है ना? मेरे खाना थोड़ा इंतजार करो। क्या करते हैं? मैं इससे जल्दी खाना नहीं बना सकती। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद जाकर बना लो। जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया? अप्पा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो हमें खुद ही खाने का इंतजाम करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए बहुत चलना पड़ेगा। खाना बना है और फिर मजे खाना है। हमने डाल दी है हड्डियाँ और पत्तियाँ और थोड़ा सा नमक डाल दिया। खाना दिल हो गया दीवाना। हम असली चीज डालना तो भूल ही गए थे। चलो इसमें थोड़ी मछली भी डाल देते हैं, और अब आखिर में थोड़ा सा पानी भी मिला दे। खाना होगा तैयार, जो बनेगा मजेदार, जिसे खाएंगे हम तैयार। चलो शुरू करो। ये क्या है? हम फिर नाकाम रहे। हम फिर कभी खाना नहीं बनाएंगे। लगता है खाना बनाने में हमसे कोई चूक हो गई। असल में हम तीनों में खाना बनाने की अक्ल ही नहीं है। सुनो, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे? चलो एक काम करते हैं, अब हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारे खाना बनाए। बताओ तो सही, सूप कैसा बना है? मेरी बात सुनोगे या सूप पीते रहोगे? शोर मत करो, मैं सूप का स्वाद चख रहा था। आ? जिसे तुम सूप कह रही हो ना, उसमें कोई स्वाद नहीं है। क्या कहा, स्वाद नहीं है? अब तुम्हें क्या हो गया? जब मेरे हाथ की कोई चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती है तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे सुनो, रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई। तुमने देखा क्या? देखा। मेरा खाना पसंद नहीं आता है। मुझे कहाँ ले? हम एक खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे थे और अचानक तुम चपक पड़ी। खाना। आखिर हम पहुंच ही गए। क्या कहा अम्मा?
मामा घर छोड़कर चली गई। असल में हमारी खाने को लेकर लड़ाई हो गई थी। मुझे पता है आपने खाने की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए गुस्से में आके चली गई होंगी। अब मैं क्या करूं? कर भी क्या सकते हैं, उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा। अम्मा, बड़ी अम्मा जी। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? कहाँ हो अम्मा? चलो हमारे लिए खाना बनाओ। बनाओ। लेकिन खाना बनाने का सामान कहाँ है? हमने खाना बनाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए अब कुछ नहीं बचा। नहीं बचा। जल्दी से खाना बनाने का सामान लेकर आओ। दादी माँ, बड़ी अम्मा जी। अरे अम्मा, ये क्या, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खाना बनाने में इनकी मदद कर रही हूँ। पहले हमारी मदद कीजिए, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दीजिए। खाना। मुझे तो कोई भी सामान नजर नहीं आता। अरे तुम कहाँ चली गई? वहाँ अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे वाह, काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। अरे वाह, काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। हमारा सारा सामान कहाँ चला गया? जिसने भी चुराया है उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चली गई वो? चलो उसे जल्दी ढूंढ कर लाते हैं। मिल गया, मजा आ गया। मिल गई। अब सामान कहाँ गया? हो गया। अम्मा फिर कहाँ चली गई? फिर चली गई। क्या क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया है। कैसा शानदार आइडिया? हम इसे हर जगह साथ लेकर जाएंगे। चलो, चलो। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। कौन सा आइडिया अप्पा? हम सामान को हर जगह साथ ले जाएंगे। आपका जवाब नहीं अप्पा। अप्पा, मैं बहुत थक गया। मैं भी बहुत थक गया, लेकिन हमें अम्मा को ढूंढना होगा। चलो चलते हैं अम्मा को ढूंढने के लिए। हम तो बहुत थक गए। जब हम पागलों की तरह भागते रहेंगे तो और क्या होगा? तुम लोग सामान ला रहे हो या मैं जाऊँ? ला तो रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, समझी? मुझे ऑर्डर देने के बजाय जल्दी से सामान लेकर आओ। लोग मुझे खाना बनाने के लिए घर से लेकर आते हैं, और एक वो है, मेरा खाना पसंद नहीं आता। मुझे गलती हो गई। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आज तुम्हारे खाने में वो बात नहीं है, क्योंकि खाना तो तुम हमेशा अच्छा बनाती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर कभी ऐसा मत करना। कभी नहीं करूँगा। दादी माँ, दादाजी, क्या आपको पता है कि गौन और अप्पा कहाँ गए हैं? मुझे तो नहीं पता बेटी। अरे ये क्या है? ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, वो देखिए वहाँ खाने का कितना सारा सामान है। अरे हाँ, सच में हमें खाने के सामान को इस तरह फेंक कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम इसे ले जाके इस्तेमाल करते हैं। चलो चलो। इतना ढूंढने पर भी बड़ी अम्मा जी नहीं मिली। इतना ढूंढने पर भी हमें सामान कहीं भी नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, मजा आ गया, लाजवाब खाना बनाया तुमने। बहुत जल्दी सुधर गए हो तुम। अगर वक्त पर खाना चाहिए तो तारीफ करना मत भूलना। कोई हमें भी खाना दे, तो बहुत भूख लगी है। बड़ा तारा प्लैनेट से टकराने वाला है। पृथ्वी की तरफ जा रहा है, ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे इसके बारे में गौन और तोते चैन को बताना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। ये क्या था? मेरा कहाँ फंस गया?
अरे तारों के राजकुमार, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? गॉन, तोते चैन, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्या हो गया? एक बहुत बड़ा तारा सीधे पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। बड़े तारे से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा तारा है। क्या वो मैमथ से भी बड़ा है? हाँ, वो बहुत बहुत बड़ा है। वो मैमथ से भी बड़ा है, ज्वालामुखी से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है, असल में वो पूरे प्लैनेट से भी बड़ा है। वो बहुत 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 बड़ा तारा है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर वो बड़ा तारा हमारी धरती से टकरा गया तो हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर तो हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए अप्पा। इसलिए मेरी बात मानो और तुम सब मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। चलो जल्दी करो। लेकिन मैं तो सबके साथ इस पर नहीं आ पाऊंगा। असल में जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरा तारा छोटा होता चला गया। मैं कोशिश करता हूँ। गॉन, हम ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। हम तीन तक गिनेंगे और इस पर एक साथ चढ़ जाएंगे, ठीक है ना राजकुमार? हाँ, और फिर मैं फौरन आप सबको लेकर ऊपर उड़ जाऊंगा। एक दो, दो तीन। तो बस चढ़ गए गॉन। चलो उड़ो, जल्दी करो। चलो जल्दी उड़ो राजकुमार। चलो उड़ो उड़ो। लगता है तारे पर वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी बिताना। अगर अप्पा नहीं चल रहे तो मैं भी नहीं चाहूंगी। हमने अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। गॉन की अम्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। अब तो पता चल गया ना, अब मत कहना कुछ भी। अगर अम्मा और अप्पा नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं भी यही पर उनके साथ रहूँगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं जा रहा? लेकिन तुम्हें पता है ना, एक बहुत बड़ा तारा पृथ्वी से टकराने वाला है। तारों के राजकुमार। हाँ? हम इस धरती पर पैदा होने वालों में सबसे पहले हैं, इसलिए हम इसके खत्म होने तक यही रहेंगे, है ना? बिल्कुल, हमारे दादा और परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं पर रहे। यहाँ पर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हमने यहाँ अपना एक छोटा सा गांव बसाया और यहाँ एक बहुत ही सुंदर नदी भी बहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, रकून है और खरगोश भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी तो हैं। अच्छा, यही रहेगा कि हम इसी प्लैनेट पर रहे तारों के राजकुमार। तुम सच कह रहे हो राजकुमार? तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, रकून, खरगोश, शेर और हाथी सबको। मैं चाहता हूँ तुम सब जिंदा रहो। तोते चैन, जरा इस राजकुमार को पकड़ लो। ठीक है अप्पा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। ये तो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तोते चैन, छोड़ दो। ठीक है। तारों के राजकुमार, बाय बाय। अब ये प्लैनेट यहाँ पर नहीं रहेगा अप्पा। हमारे पास सुबह तक का समय है, चलो सोते हैं। हाँ ठीक कहा, हम सो जाएंगे। मैं भी। और मैं अपने सपने में वो सारी अच्छी चीजें देखूंगा जो अब तक हमारे साथ हुई है। गॉन की अम्मा। हाँ? मुझे लगता है कि हमें गॉन को राजकुमार के साथ भेज देना चाहिए, इसी में इसकी भलाई है। ठीक कहा तुमने। नहीं ठीक रहेगा। बाय बाय गॉन। गॉन, हमेशा खुश रहना बेटा।
सोते चैन छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? बाय बाय। नहीं नहीं। हमेशा खुश रहना बेटे। मुझे बोलना नहीं। अरे गॉन, तुम वापस कैसे आ गए? अचानक क्या हो गया तुम्हें? गॉन उस बड़े से तारे से टकराया और इसके टकराते ही वो बड़ा तारा चकनाचूर हो गया। तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब हमारा प्लेनेट बच गया? हम बच गए। गॉन ने हमें और पूरे प्लेनेट